मुख्यमंत्री जी ने ये विजन दिया कि स्कूलों में हर एक बच्चे के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाओ, और आज पहली आम आदमी स्कूल क्लिनिक और एक साथ 20 की शुरुआत यहां से हो रही है, 20 स्कूलों में भी इसको लोग देख रहे हैं। ये मॉडल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ कुछ अंश दुनिया में कुछ स्कूलों में देखने को मिलते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका 6 महीने या साल या 2 साल या 4 साल में एक बार चेकअप कर लिया जाता है, उनकी आई साइड से लेके उनकी ENT, उनके ब्लड, ये सब सैंपल्स लेके देख लिया जाता है, लेकिन बहुत रेगुलर तरीके से नहीं किया जाता। और जब तक रेगुलर प्रिवेंशन नहीं होगा, यू हैव टू डिपेंड ऑन क्योर, तब तक आपको केवल और केवल क्योर पे। तो रेगुलर प्रिवेंशन का तरीका ये निकाला कि हर स्कूल में एक आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाइए, और हर बच्चे को 6 महीने में कम से कम एक बार 6 महीने में रूटीन टेस्ट से गुजारिए। आज बहुत खुशी है कि दिल्ली में शुरुआत हो गई है, अभी दुनिया में कहीं नहीं है। 6 महीने में हर बच्चे का एक बार टेस्ट करना, उसकी आई साइड से लेके उसके ब्लड से लेके, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने भी दुनिया भर के स्कूल देखे, मेरी टीम एजुकेशन के लोग भी ब्रिटेन के, फिनलैंड के, सिंगापुर के, अमेरिका के स्कूल्स देख देख के आए हुए हैं, कहीं नहीं है इस तरह का। लेकिन आज इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक की एक और सबसे खास बात जो है वो यह है कि यहां केवल टेस्टिंग का नहीं है, यहां एक डॉक्टर भी उपलब्ध है और एक साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस की पाठ्यक्रम चला रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना उसी का एडिशन है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना मतलब बच्चे के अंदर के मनोविज्ञान को समझ के, एक एक बच्चे को, हो सकता है कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा समझने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा आपस में क्लास में पीयर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम महसूस करता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें समझ के साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स मिलके इसको अभियान को आगे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहना जाने, खुश रहे। अगर हम अपने बच्चे की जिंदगी में खुशी डाल देंगे, उसको, उसके मनोविज्ञान को मजबूत कर देंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना रहे होंगे।